हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ क्रोशे का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। और इसे सीखकर बनाएं आप अपने किसी कार्डिगन या स्वेटर या किसी बच्चे के स्वेटर में, तो इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो इसे बनाने के लिए इस तरह से बनाइए। ये लिया है मैंने एक सिंगल फंदा और उस सिंगल फंदे से मैं चेन बनाती चली जाऊंगी। जैसा कि मैं हर डिज़ाइन में चेन के ऊपर बनाती हूं, तो ये सिंगल चेन मैं उतनी बना लूंगी जितने पे मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। आप अपने स्वेटर के अनुसार बनाइए जितनी बड़ी स्वेटर की चौड़ाई हो। देखिए ये इस तरह से मैंने इतनी चेन बुनी और लास्ट में इस तरह से मैं यहाँ पर तीन चेन छोड़कर बनाऊंगी। आप चाहो तो सात चेन, जिस तरह से मैं आगे बताऊंगी, ये आठ बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर, ये देखिए मैं आठ बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी और नीचे छह चेन छोड़कर सिंगल फंदे से बना लूँगी इस तरह से। अगर आप चाहो तो ये तीन फंदे को ना बुनकर आप नीचे से छह फंदे और ऊपर से आठ फंदों की चेन गिनकर छह फंदे छोड़कर उस तरह से भी इस तरह से सिंगल फंदे से बुन सकते हो। फिर सिंगल फंदा बुनने के बाद इस तरह से फिर आठ बार गिनकर सिंगल फंदे की चेन बना लेंगे हम। और फिर नीचे छः सिंगल फंदे की चेन गिनकर सिंगल फंदे से बुन देंगे ऊपर की चेन को। इसी तरह से फिर हम सिंगल फंदे की आठ बार चेन बना लेंगे। जितना बड़ा हमारा डिज़ाइन है, नीचे की चेन है, उस पर हम इसी तरह से छः फंदे की चेन पर आठ फंदे के ऊपर से चेन बुनकर सिंगल फंदे से इस तरह बुनते चले जाएंगे पूरी चेन पर। गिनकर हम आठ फंदे की चेन ऊपर बुनेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन सभी बराबर रहें, और नीचे के छह फंदे की चेन। उसके बाद हम सिंगल फंदा ले लेंगे। इस तरफ से देखिए आगे का बुनने के लिए मैं सिंगल फंदे से गिनकर 10 बार चेन बुनूंगी। और देखिए यहाँ से मैं बीच चेन के ऊपर से सिंगल फंदा ले लूँगी इस तरह से, और उसके बाद मैं तीन बार सिंगल फंदे की चेन बुनूँगी इस तरह से, और बीच में जो हमारा सिंगल फंदा था वहाँ से हम डबल क्रोशिया इस तरह ढीला करेंगे लेकर, और ये डबल क्रोशिया हम चार बार बनाएंगे एक ही जगह से, जहाँ सिंगल फंदा था वहाँ से गिनकर चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम सिंगल फंदे से दो बार इस तरह से बुन देंगे। उसके बाद हम फिर सिंगल फंदे की चेन तीन बार बनाएंगे, और आगे जो हमारा आठ सिंगल फंदों की चेन थी आठ बार बुनी हुई, उसके बीच में इस तरह सिंगल फंदा बना लेंगे और फिर तीन फंदे की चेन बना लेंगे सिंगल। और जहाँ हमारा सिंगल फंदा है नीचे की तरफ, वहाँ से पहले डिज़ाइन की तरह यहाँ से भी मैं ढीला फंदा करते हुए चार बार डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी। गिनकर चार बार डबल क्रोशिया
बना लूँगी मैं और फिर सिंगल फंदे से इस तरह से दो बार बुन दूँगी और फिर सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी मैं तीन बार और आगे जो आठ बार बुनी हुई चेन है उसके बीच में फिर सिंगल फंदे से बुन दूँगी और फिर सिंगल फंदे की तीन बार चेन बनाकर नीचे के सिंगल फंदे से चार बार डबल क्रोशिया बना लूँगी पहले की तरह। देखिए इस तरह से लगेगा हमारा डिज़ाइन। और तीन बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद मैं लास्ट में इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी। अब मैं फिर देखिए इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी आठ बार और जो सिंगल फंदा है यहाँ पे इस जगह सिंगल फंदा ही बुन दूँगी। उसके बाद फिर मैं आठ फंदे की सिंगल फंदे की आठ बार चेन बना लूँगी, गिनकर सिंगल फंदे से इस तरह से बुनती चली जाऊँगी आठ बार और आगे के सिंगल फंदे पे सिंगल फंदे से बुन दूँगी। इसी तरह मैं आगे का पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। जो चार डबल क्रोशिए का डिज़ाइन है उसे क्रॉश करते हुए सिंगल फंदे के ऊपर सिंगल फंदे से बनाती चली जाऊंगी डिज़ाइन को एक तरफ से। और लास्ट में मैं इस तरह से सिंगल फंदे से फिर बुन दूँगी और फिर सीधी तरफ से मैं तीन बार मैंने सिंगल फंदे की चेन बनाई और फिर बीच में इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दिया आठ बार बुने हुए सिंगल फंदे की चेन पर। फिर तीन बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर आगे के नीचे सिंगल फंदे की डिज़ाइन जो बनाया था उससे मैं इस तरह से चार बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी जैसा मैंने नीचे के डबल क्रोशिया बनाए थे और फिर उसे सिंगल फंदे से दो बार मैं बुन दूँगी इस तरह से। फिर तीन बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और आगे के बड़ी चेन से इस तरह बीच में सिंगल फंदे से बुन दूँगी और फिर तीन बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर उसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया बना लूँगी ढीला करते हुए, गिन कर डबल क्रोशिया चार। इसी तरह से मैं आगे डिज़ाइन बना लूँगी तीन बार सिंगल फंदे से। तो फ्रेंड इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन अपना बनाते चले जाएंगे। ये मैं छोटा सा सैंपल बनाना बता दिखा रही हूँ आपको। आप अपने स्वेटर में जितना बड़ा लंबाई में या चौड़ाई में बनाना चाहें बना सकते हो, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए मैं वाइट कलर की वूलन में बता रही हूँ आपको कितना सुंदर दिख रहा है ये डिज़ाइन।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। तो फटाफट लीजिए क्रोशिया अपने मन पसंद ऊन और बनाना शुरू कर दीजिए इस डिज़ाइन से कुछ भी, और आगे हम इसी तरह से ऊपर भी बनाते चले जाएंगे। देखिए इस बार ये जो डिज़ाइन है ये बीच में आ जाएगा। देखिए लास्ट में जब हम बीच किनारे से क्रॉश करेंगे डिज़ाइन के ऊपर इसके, तो हम 8 बार सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे, और जब डिज़ाइन बनाएंगे तो 3 बार बनाएंगे जैसे बीच में बनाते हैं। तो देखिए एक तरफ से पीछे की साइड से तो हम 8 बार सिंगल फंदे की चेन ही बनाते जाएंगे हर बार, लेकिन साइडों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिज़ाइनिंग के अनुसार, जिससे हमारे डिज़ाइन का सेप बराबर रहे, और बीच में इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे पूरा डिज़ाइन। पीछे की तरफ से चेन 8 फंदों की, 8 बार सिंगल फंदे की चेन, और इस तरह से सिंगल फंदे से देखिए इस तरह से, और सीधी तरफ से डिज़ाइन। तो देखिए इस बार हम ये बीच में चेन के ऊपर बनाएंगे, तो हमने लास्ट में सिंगल फंदे से बस 3 बार सिंगल चेन बुनी थी, और 3 बार आगे बुनेंगे और सिंगल फंदे से उसी तरह से ढीला करते हुए इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर सिंगल फंदे से 3 बार, और बीच में 8 बार बुनी हुई चेन जो है सिंगल फंदे से, उसके बीच में सिंगल फंदा, और फिर 3 बार सिंगल फंदा, और फिर नीचे के सिंगल फंदे की डिज़ाइन से 4 बार डबल क्रोशिया ढीला करते हुए इसी तरह से हमारा पूरा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आए ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्रोशिया का ब्यूटीफुल डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहित करेंगे, जिससे मैं और भी लाती रहूँगी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ आपके लोगों के लिए। धन्यवाद।